हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंट, चैप्टर नंबर 17, अक्रॉस द वॉल। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड 5th एनवायरमेंट विद द कंटिन्यूशन ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17, अक्रॉस द वॉल। Now, in our last session, we have studied about the NBA team, NBA Basketball Association team. उसकी जो main member थी, जिसने ये दीवार, girls boys की दीवार हटाई, sports की जो sports में हम ladies, हम girls जो participate कर सकते हैं, वो दीवार हटाई, वो उसका नाम क्या था? Her name was Afsana, right? And हमने last time वो जरीन के बारे में भी पढ़ा के जरीन एंड उसकी टीम कैसे सिलेक्ट होती है एंड कैसे उनको गाइडेंस मिलता है कोच के थ्रू। नाउ लेट्स टेक आउट पेज नंबर 156। वी आस्क्ड व्हाट इट इजी टू मेक अ बिगनिंग। अब ये जो इंटरव्यू लेने के लिए वहां पे गए थे, जो जानकारी लेने के लिए वहां पे गए थे, उन लोगों ने पूछा कि अगर हमें शुरुआत करनी है, बिगनिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। व्हाट इज इजी टू मेक अ बिगनिंग, क्या इजी होगा कि भाई हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं। वैसे तो खुशनूर ने बोला, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे अग्रीड। पहले तो मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया, पर मैंने बहुत ही कहा नहीं, प्लीज मम्मा मुझे प्लीज मुझे चांस देने, एक बार देख लो आप, डैडी प्लीज आप एक बार देख लो, तब वो मान गए। अफसाना, माई मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड अस टू स्कूल। मेरी मम्मा जो है वो फ्लैट में काम करती हैं, फ्लैट्स यानी कि ये जो बर्तन मांजना, झाड़ू पोता करना, वैसा, और हमें स्कूल भेजती हैं। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं उनकी मदद करती हूँ। When I told her about my plans to play basketball, Ami got angry. Ami यानी कि मम्मा। जब मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसे बास्केटबॉल खेलना है, हमने ऐसी टीम बनाई है, तो अम्मी बहुत ही गुस्सा हो गई, राइट? शी सेड गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल। उन्होंने बोला क्या लड़कियां कभी बास्केटबॉल खेलती है? आपको एक मूवी पता है, ये काजल है उसका, उसमें भी आता है गर्ल्स दे डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, बट इट इज नॉट लाइक दैट। डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। पता है जब भी कुछ मम्मी को ऐसे अटपटा पूछते तो क्या बोलते, तू अपना काम कर, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं खेलते हैं, राइट? सो वैसे ही अफसाना को भी ऐसा है आंसर मिला अपनी अम्मी के थ्रू। गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, स्कूल में जाओ और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, ग्राउंड में खेलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा उसकी मम्मी ने बोला। बट व्हेन माय फ्रेंड एंड कोच सर टॉक टू हर, मम्मी अग्रीड। पर जब मेरी फ्रेंड्स, ये जो NBA टीम की जो मेंबर्स थी यानी कि उसकी फ्रेंड्स और उनके कोच, उन्होंने जब उनको बुलाया, मनाया, तब वो मान गई। नाउ आफरीन का देखते हैं। वी वेर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स। आफरीन का भी वही सिचुएशन था कि भाई वो गर्ल्स है तो वो अलाउड नहीं है। मैनी ग्रैंड मदर्स गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस। अब हमारे जो दादा दादी नाना नानी थे वो तो बहुत ही गुस्सा होते थे ये ऐसे ही सुन के। बट स्टिल वी थ्री सिस्टर्स कम हियर टू प्ले, पर फिर भी ये जो तीन बहनें थी वो वहां पे खेलने के लिए आई थी। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड अवर कोच सर। अब ग्रैंड मदर जो दादी होती है वो तो बहुत ही सख्त होती है, तो उन्होंने कोच को भी डांटा, हमें तो डांटा ही पर साथ में कोच को भी डांटा। शी टेल अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ। पर ये तो अच्छी डांट थी, क्यों डांटा? ऐसा नहीं होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं दूध पी के अच्छी स्ट्रेंथ बना के आप खेल सकते हो, वैसा डाटा। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये सारा पैसा? बट डैडी अंडरस्टैंड्स अवर फीलिंग, पर हमारे पापा जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने बोला कि नहीं, इट्स ओके, लेट अस सी व्हाट एल्स वी कैन डू। ही इवन टीचेस अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। अब हमारे जो पापा थे यानी कि आफरीन और उसकी बहने के जो पापा थे वो उनको ट्रिक्स भी सिखाते थे गेम्स की, स्पेशल मूव्स। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन द ग्राउंड व्हेन ही वॉज यंग। अब उनके पापा को क्यों पता था वो स्पेशल मूव्स, क्योंकि उनके पापा भी उनके साथ खेलते थे। ही डिड नॉट
हैव प्रॉपर शूज और क्लोथ्स ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल. अब उनके पास स्पेशल क्लोथ्स नहीं थे, स्पेशल शूज नहीं थे, इसलिए वो कैसे खेलते थे? प्लास्टिक बॉल से. सोचो अगर इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते और अपने हुनर होती है तो हाउ कैन यू एबल टू शो योर टैलेंट, राइट? हुनर तो है पर जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. यू आर वेरी, हम बोलते हैं ना, लकी हैं आप लोग कि आपको सब कुछ, आपको अगर हुनर बताना है तो आपको सब कुछ अवेलेबल इजीली होता है. नाउ लेट्स सी फर्दर. डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले. डैडी बताते हैं कि जब हम खेलते थे तब बच्चू खान जो थे वो हमारे कोच थे. ही सो माई डैडी प्लेइंग वंस. एक बार उन्होंने उनके डैडी जो, यानी कि आफरीन के डैडी जो खेलते थे, उनको देखा. ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली. उनको ऐसा लगा कि हाँ, ये बंदा तो बहुत ही अच्छा खेलता है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है और ये बंदा आगे बढ़ सकता है. ही गेव प्रॉपर शूज एंड क्लोथ्स टू माई डैडी. ये जो कि कोच थे, उन्होंने आफरीन के डैडी को क्या दिया? शूज एंड क्लोथ्स दिए. माय डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब. सो ही वेंट टू अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. अब मेरे पापा की कंडीशन अच्छी नहीं थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही थी. इसके हिसाब से क्या हुआ, उन्होंने ये जो इच्छा थी गेम खेलने की और अच्छे भी थे, ये उन्होंने वहाँ पे ही स्टॉप करके जॉब शुरू कर दी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने ज़्यादा महत्व दे के, यानी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के वो उन्होंने लीव कर दिया उनका स्पोर्ट्स एंड वो अच्छे प्लेयर बन सकते थे, राइट? आई होप यहाँ तक ये जो मैसेज था जो खुशनूर, अफसाना एंड आफरीन के बारे में हमें दिया गया है सबको पता चल गया होगा. नाउ टेल, हैज एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स? अब ये आंसर आपको खुद से करना है कि कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कोई पर्टिकुलर गेम होती वो खेलने के लिए रोका है और क्यों? हु स्टॉप्ड यू एंड व्हाई? व्हाट डिड यू डू देन? किसने आपको ऐसी गेम्स खेलने के लिए रोका था, क्यों, एंड उसके बाद आपने क्या किया? ये आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ बिकॉज अपने पर्टिकुलर आपके जो एक्सपीरियंस होंगे उसके हिसाब से आपको ये आंसर देने पड़ेंगे. डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, कई लोग हमें रोकते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, राइट? तो वैसा कुछ हुआ है कि भाई हाँ, आप ये इसमें बहुत ही अच्छे हो, यू जस्ट, आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप ये स्पोर्ट्स में, कबड्डी में बहुत अच्छे हो, आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ अगर इंसिडेंट हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हो इस आंसर में, यानी कि डिड एनीवन हेल्प यू एंड एनकरेज यू टू प्ले? कभी भी किसी ने आपको हेल्प किया है, एनकरेज किया है? So you have to mention over here. Now we asked, tell us about your team. अब ये जो इंटरव्यू के लिए गए थे उन्होंने ऐसा भी बोला कि हमें अपनी टीम के बारे में कुछ बताओ. Now one girl, उसने रिप्लाई किया. ये पूरी जो स्टोरी है, ये पूरा जो लेसन है वो क्या है, इंटरव्यू लेते हैं और जो आंसर मिलता है वो हमें यहाँ पे डिस्कस किया है, राइट? सो लेट्स सी पेज नंबर 157. वी आस्क्ड, अब उन्होंने एक और बार क्वेश्चन पूछा, टेल अस अबाउट योर टीम, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दो अपनी टीम की. तो एक जो लड़की थी उसने बोला, वन गर्ल, वी फेल्ट अ बिग स्ट्रेंज इन द बिगिनिंग. हमें पहले तो बहुत ही स्ट्रेंज लगा, बोलते हैं ना ऐसे आश्चर्यजनक, स्ट्रेंज. वी वेयर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग. अब हम जो थे, हम ही पहली गर्ल्स टीम थी और सब लोग हमें देखने के लिए आते थे, ये लड़कियां खेल रही हैं. वैसे दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स विल प्ले बास्केटबॉल. अब वो लोग क्यूरियस, यानी कि आतुर, आश्चर्यजनक कि ये गर्ल्स कैसे बास्केटबॉल खेलेगी. नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज बट
द डे इज गॉन एंड द पीपल आर फेमिलियर विद अस कि भाई हाँ ये लड़कियां तो हर रोज यहाँ पे खेलने के लिए आती है, तो अब वो लोग सरप्राइज नहीं है. दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल. अब वो लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हाँ ये लड़कियां भी अच्छी तरह से खेल सकती है. अफसाना बोलती है, I was 11 years old when we first started playing. At that time, we were not allowed to go anywhere else to play a match. मैं जब 11 साल की थी, अफसाना बोलती है कि मैं जब 11 साल की थी तब हमें अलाउड नहीं था कोई भी ऐसी गेम खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए. राइट, ऐसी गेम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम होते हैं तो हमें बाहर भी जाना पड़ता है. राइट, तो वैसे अफसाना बोलती है कि मैं जब 11 साल की थी तब ये अलाउड नहीं था. It has been 2 years since then. उसके बाद 2 साल के बाद now we go to other places also for matches. पर 2 साल के बाद ऐसा कंडीशन आया कि हाँ हम लोग खेलने के लिए जा सकते हैं. But all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. पर ये सब इसीलिए मुमकिन बना है क्योंकि हमारे कोच जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, हमारा हार्ड वर्क भी उतना था, इसलिए उनके सपोर्ट से हम बाहर खेलने के लिए जा सकते थे. Now another girl. Yes, we really work hard. हाँ 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 हमने बहुत ही हार्ड वर्किंग किया है. सर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट. हमारे सर जो थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है. जैसे कि हमारे मिलन सर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, वैसे ही. वी फर्स्ट जॉग टुगेदर यानी कि जॉगिंग करना एंड देन डू अवर एक्सरसाइजेस. सर टीचेस अस हाउ टू प्ले द गेम वेल. पहले तो हम हर रोज आके जॉगिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद हमारे जो कोच थे, हमारे जो सर थे वो हमें सिखाते थे कैसे खेलना होता है. वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस. हम बास्केटबॉल में मेन क्या होता है, हम क्या करते हैं, बॉल अपने पास रखते हैं. राइट, तो वो पहले क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे कि बॉल कैसे अपने पास ज्यादा टाइम तक संभाल के रख सकते हैं. उसके बाद उन्होंने गोल का सीखा. राइट, नाउ टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट टू स्कोर अ गोल टू पास द बॉल वेल एंड टू टर्न फास्ट ऑन कोर्ट. यानी कि उसके बाद उन्होंने जो स्टेप्स होते हैं उसके बाद सीखा कि पहले भी बॉल हमारे पास ऐसे ऐसे करके रखते हैं, देन कैसे हम निशाना मार के बास्केटबॉल के जो होल होता है उसके अंदर हम डालते हैं. राइट, सो बेसिकली गोल कैसे स्कोर करते हैं वो सब कुछ उन्होंने सीखा था. उसकी लाइन होती है, अगर उसकी लाइन से पीछे हम डालते हैं तो ज्यादा स्कोर होता है, वैसा बास्केटबॉल में होता था. नाउ आफरीन ये बताती है, सर सेज व्हाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स. अब पहले हमारे सर जो थे वो मोटिवेशन देते थे कि भाई जब भी आप कोई भी गेम खेल रहे हो तब ऐसा मत सोचना हाँ मैं गर्ल हूँ, कभी भी नहीं. राइट, प्ले लाइक अ प्लेयर, खिलाड़ी की तरह खेलो. Keep playing even if you get a little injured. हाँ थोड़ा सा लग जाए तो ऐसा नहीं कि मुझे लग गया. Keep playing, थोड़ी सी भी इंजरी होती है फिर भी आप अपना खेल शुरू रखो. राइट, ये तो सब स्पोर्ट्स में होता है कि अगर आप थोड़े से भी इंजर्ड होते हो उसमें ध्यान देते हो तो यू जस्ट गेट डाइवर्टेड, डिस्ट्रक्टेड. राइट, वी सपोर्ट ईच अदर से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन. अब ये एक दूसरे को कैसे मोटिवेशन करते थे, हाँ तुम कर सकती हो. यस, आप कैसे चीयर अप स्पोर्ट्स डे में करते हो, कैसे करते हो, यस दौड़ो आफरीन दौड़ो दौड़ो, वैसे ये गर्ल्स भी एक दूसरे को अगर कोई इंजरी होती है तो चीयर अप करती है कि यस इट विल बी फाइन, कम ऑन गेट अप, कम ऑन डू इट. नाउ अवर गेम हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हमारी गेम बहुत ही इम्प्रूव हो गई है. Everyone says that we play as well as the boys team. अब तो सब लोग बोलने लगे कि हाँ आप लड़कियां भी लड़कों की तरह ही खेल रहे हो. Right? One girl, उसमें से एक girl बोलती है, We also play with boys team. हाँ हम boys team के साथ भी खेलते हैं. We want them to play with us as equal. हमें उनके बराबरी की तरह ही खेलना पसंद है. They should not be lenient because we are girls. ऐसा नहीं है कि हम गर्ल्स हैं तो थोड़ा सा भी लीनियंसी रखते हैं. Sometimes we get angry when the boys imitate us. कभी कभी हमें चिढ़ाते हैं तो हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं. But we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them. पर हम उसको ऐसे नहीं करते हैं कि नहीं अभी तो मैं नहीं करूंगी ऐसा. हम उसको चैलेंज समझ के आगे
खेलते हैं एंड उनको डांटते भी अगर वो मिस्टेक करते हैं तो. राइट, आई होप ये डिस्कशन जो था सबको समझ में आ गया. लेट्स सी विद द क्वेश्चन आंसर्स. डू गर्ल्स एंड बॉयज प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल? हाँ, मैंने देखा है कई बार अलग अलग तरह की गेम खेलते हैं. सब गर्ल्स को आई डोंट नो व्हाई रनिंग गेम पसंद नहीं है. और नेबरहुड, इफ यस देन विच गेम्स डू द बॉयज प्ले एंड विच गेम्स डू द गर्ल्स प्ले? अब आपको ये लिस्ट डाउन करना है कि बॉयज एंड गर्ल्स कौन कौन सी गेम्स अलग अलग तरह की खेलते हैं. नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बाई बॉयज एंड गर्ल्स? नहीं, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. गर्ल्स भी उतना ही भागती है जितने बॉयज भागते हैं. राइट, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बट गर्ल्स आई थिंक यू कैन मेक इट अप. शुड द गेम्स फॉर बॉयज एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? अब आपको ऐसा लगता है कि बॉयज एंड गर्ल्स की गेम अलग अलग तरह की होनी चाहिए? मुझे पर्सनली नहीं लगता है. सब लोग सब गेम खेल सकते हैं. राइट, सो दिस आंसर इज ऑल्सो यू हैव टू ट्राई इट डाउन बाई योर सेल्फ. आई होप यहां तक सबको पता चल गया है. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल सी वी से टेल अस मोर अबाउट योर टीम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.